अच्छा कैसे किया है? शेयर सब्सक्राइब। हाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग टॉकिंग यश। आई एम यश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। Here is the exam week of semester 2 of BCom honors of my course. And today is the first exam of EVS. पढ़ा है पाए, पता नहीं क्यों मैं बहुत स्लीपी हूँ। After a nap, the exam is in afternoon, so I landed up early because पढ़ लेंगे क्योंकि घर पर तो सोना ही है। And या आफ्टर छोटा सा नैप हम लाइब्रेरी में स्टडी सेशन करके एग्जाम देते हैं। सो मिलते हैं, तो भाई अपडेट करेंगे आपको। डन विद द पेपर, अच्छा गया। इनसे पूछते हैं, मेरे को नहीं पता। बताओ गाइस कैसा गया पेपर? तेरा कैसा गया है? वी आर व्लॉगिंग ईच अदर। अच्छा कैसे गया है? 60 प्लस इसके मेरे 50। भाई सोया तो मैं भी नहीं हूँ, तेरा कैसे गया है? दूर है। तेरा कैसे गया है? इसका सिर दर्द हो गया एग्जाम देते। ये टॉप करेगा, ये टॉप करेगा, ये टॉप करेगा। तेरा कैसा गया है? मेरा तो मेरा ये सब टॉप करेंगे। अच्छा अच्छा नहीं कह रहे हैं जो इतना टॉप करेंगे कि कभी भी फेल हो। मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मैं लाइक 10 ईयर से पढ़ के आया था। मैं कौशिक एंड कौशिक से भी पढ़ के आया था, लेकिन जो मैं पढ़ के आया वो नहीं आया पेपर में। लेकिन मैं बना बना के बहुत सारा लिख के आया हूँ, बट होप सो मार्क्स मिल जाएंगे। आई डोंट नो पेपर कैसा गया है। नहीं पेपर अच्छा गया है, मैनिफेस्ट पर अच्छा गया। मैनिफेस्टेशन करेंगे। मैनिफेस्टेशन का भी क्या फ़ायदा जब करके नहीं आए। लेकिन अटेम्प्ट तो पूरे का किया है, तुक्के भी बैठे हैं। यार मैं बता कर रहा हूँ पेपर अच्छा गया है, बस दैट्स इट। कल मिलते हैं, बाय बाय। सो स्टार्टेड द डे विथ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मेट्रो का। आई गेस आज डी यू के एग्जाम के साथ साथ आज रेगुलर वालों का भी है, एस ओ एल वालों का भी है, प्लस एन टी ए का भी एग्जाम है। दैट्स वाई आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। आई हैव सो मच टू से, बट एग्जाम के बाद बोलता हूँ बिकॉज अभी तो सर रिवाइज कर लेते हैं। हाउ वाज योर एग्जाम गाइज? हाउ वाज योर एग्जाम गाइज? तो तुम सारे तो पास हो, तुमने तो बहुत सारा पढ़ा है, ये तो टॉप करेगा। हाउ वाज योर्स? तुम तो इकोनॉमिक्स वाले हो, तुम्हारा मैक्रो था। एंड यहाँ हमारी चल रही है शोक सभा अकाउंट्स के एग्जाम के लिए। थोड़ा क्राई करके दिखा दो गाइस। अब तो आएगा। सो टुडेज पेपर वॉज अ ब्लंडर आई वुड से, बट पता नहीं वो कैसा गया। लाइक दैट मॉन दैट ही बोलेंगे ना, दैट मॉन्स्टर्स बोलेंगे ना, दैट मॉन्स्टर्स चेंज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर एट द लास्ट मोमेंट। एंड क्या ही बोले, पास करा दो। सी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तो पास है, वरना होल दिल्ली यूनिवर्सिटी इज फेल, 80% फेल है। चलो सो लाइक उस रूम से हमको निकाल दिया क्योंकि टाइम अप हो गया था, मतलब बंद करने का टाइम आ गया। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि द पेपर वाज रियली टफ, द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि द पेपर वाज टफ, इतना ज़्यादा कि CA फेल हो जाए, मतलब CA से भी ज़्यादा टफ था। एंड टीचर्स वाज ऑल्सो सेइंग कि द पेपर इज really tough and I don't know grace marks मिलेंगे नहीं मिलेंगे, but I won't say कि मेरा कैसा गया है, अच्छा गया है। सो वेलकम टू डे 3, वी हैव आर कॉपरेटिव लॉ का एग्जाम। ये बगदारे डिस्कशन कर रहे हैं, लाइक आई फाउंड दिस एंगल रियली नाइस, तो आई एम शूटिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं,
इट्स लाइक आई नो द ब्लॉग इज गेटिंग रियली कंफ्यूजिंग और थोड़ी सेटिंग, सो मैं क्लैरिफाई करता हूँ. EVS के एग्जाम द फर्स्ट दैट वेंट रियली वेल. नंबर सेकेंड वॉज अकाउंट का एग्जाम जिसमें बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं क्राइसिस हो गया था, बिकॉज एज आई मैंशन पहले कि पैटर्न चेंज वगैरह पूरे DU में शोर मच गया एंड ऑल. एंड नाउ वी हैव आवर कॉर्पोरेट लॉ का एग्जाम आज, होप सो अच्छा जाएगा. प्रिपेयर किया है एंड ब्लॉग शूट करने से पहले मेरे पक्के दिमाग में था सब कुछ बोलना है, लेकिन अब मेरे दिमाग कुछ नहीं आ रहा. तो कैसे पढ़ रहे हैं याद आ गया. आई गेस एक घंटे पहले तो. एंड इस साइड देखो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है. हम जब से आए हैं एक साल से यहाँ पे ब्लू बोर्ड लगे हुए थे, अब नया आ रहा है तो यहाँ पे सब बन रहा है. और सी द क्राउड अभी तो लाइक कितना टाइम हो रहा है, 8:40 के आसपास कुछ हो रहा है. एंड आज तो क्राउड है, आई एम सिटिंग हियर. सो द एग्जाम वेंट रियली रियली वेल. मतलब शुरू के दो पेपर से 10 ईयर पे विश्वास उठ गया था, बट इस पेपर ने 10 ईयर पे विश्वास ला दिया. द होल पेपर केम फ्रॉम 10 ईयर्स ऑफ शिवदास. आई वॉज लाइक लिटरली वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने सिर्फ शिवदास से पढ़ा था. एंड लाइक एवरी क्वेश्चन आई वॉज लाइक कि देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है. एंड थोड़ा बहुत बहुत पेपर अच्छा गया अकाउंट से, तो वे बेटर. एंड अनदर थिंग केम, याद मैं क्या कह रहा हूँ, अनदर थिंग हैपन राइट वॉज कि आज मेरा CA फाउंडेशन दैट मैंने जून में अटेम्प्ट दिया था, आई गॉट द रिजल्ट. आई गेस 10 बजे रिजल्ट आ गए थे, बट चेक मैंने अभी एग्जाम के बाद किया. एंड गेस व्हाट, इफ आई एम टेलिंग दिस ऑब्वियसली आई गेट पास ना. सो आई गेस इससे पहले रिएक्शन वीडियो आ जाएगा. सो आई वॉज लाइक लिटरली मैनिफेस्टिंग दिस एट 4 AM कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए और मेरा एग्जाम भी अच्छा जाए. मतलब आई वॉन्ट टू से दिस लाइन इन द ब्लॉग कि 2 great things हैपन टुडे. 1, माई पेपर वेंट रियली वेल, बहुत अच्छा गया. एंड द CA फाउंडेशन रिजल्ट केम पॉजिटिव एंड मैनिफेस्टेशन टू गए. एंड आई हैव प्लान मेनी वीडियोज रिलेटेड टू CA फाउंडेशन ऑल्सो. मैंने एग्जाम डे तक ब्लॉग किया हुआ है. आई वॉज जस्ट लाइक कि आई विल अपलोड ओनली इफ आई गेट पास. आई डोंट नो वॉट टू से. अब मतलब पेपर जैसे भी गए हूँ, इसने एक्साइटमेंट बढ़ा दी. एंड नेक्स्ट पेपर इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड वी विल सी. बूम. सो लास्ट डे डन एग्जाम का मैक्रो इकोनॉमिक्स का. द एग्जाम वेंट वेल, अच्छा था. 10 ईयर से आया था, बट वो 10 ईयर भी पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन ठीक है. द एग्जाम वॉज नाइस, अच्छा गया है. सारे एग्जाम्स अच्छे गए हैं. बहुत कुछ हैपेंड दिस वीक. मेरा CA का रिजल्ट आ गया, आई गॉट पास. एंड एग्जाम्स भी अच्छे ही गए हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के. एंड व्हाट आई लर्न्ड कि 10 दिन पहले भी पढ़ के पास हो सकते हैं. और या जस्ट लाइक आई हैव अपलोडेड द लाइव रिएक्शन ऑफ माइन ऑफ लाइक द रिजल्ट वाले डे का. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा. एंड आता होगा तो आई बटन पे लिंक आ जाएगा. एंड या सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टॉकिंग इंग्लिश. एंड बहुत सारी ब्लॉग्स आएंगे. एंड आई हैव मतलब बहुत सारे प्लान्स ये के फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद भी. आई हैव प्लान मेनी वीडियोज. मैंने इसका एग्जाम ब्लॉग बना लिया, मैंने CA का भी एग्जाम ब्लॉग बनाया हुआ है, डैट विल अपलोड इसके बाद. सो स्टे ट्यून्ड. यार लाइटिंग एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल गया बहुत दिनों के बाद, सो इसीलिए आई एम मेकिंग दैट. सो दैट्स इट फॉर द वीक. एंड या बाय, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब.